कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार अर्थात चार दीवारी और गोपुर अर्थात द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्राम शालाएँ हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण एक श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की यह झांकी वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता जी के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी जी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों के सहित
उसके भीतर जाकर रात में वहीं निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल अर्थात मुखिए से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। हे भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यों कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। एक दिन रात वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गाँव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। क्षमा करें, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें ही छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं का पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता जी के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए
दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है, तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीद, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा वृद्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ मिलाकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहगीर को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी मैं गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता जी के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीताजी के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूँ कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हैं, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो, पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ, इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊँगा। देखो यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु भगवान के धाम को जा रहा है, अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता जी के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात,
मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है, विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण आनंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण भगवान नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन जी के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु भगवान का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है, संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु भगवान के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से श्री विष्णु भगवान के धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है, इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते।